बुजुर्गों के इदारे आफियत में माओं के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया गया। डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक ने माओं के हमरा वक्त गुजारा। डीजी सोशल वेलफेयर ने माओं के हमरा केक काटा और तहाइफ भी तकसीम किए। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि डीजी सोशल वेलफेयर माओं के साथ मौजूद हैं और माओं के चेहरे पर खुशी भी है। माँ का आलमी दिन और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से तकारीब का अहतमाम किया गया। माओं के चेहरों पर खुशी देख सकते हैं। बुजुर्गों का इदारा आफियत और माओं के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया गया है। मज़ीद जानते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद, आज बिल्कुल मदरसे के हवाले से बुजुर्गों के इदारे आफियत में मदरसे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक ने जो है वो खुसूसी आज शिरकत की थी और उन्होंने जो है वो अपना वक्त माओ के साथ गुजारा। डीजी सोशल वेलफेयर ने इस मौका पर नज़म सुनाकर माँ की इज्जत को खराज तहसीन भी पेश किया। मदरसे के हवाले से रखी गई तकरीब में डीजी सोशल वेलफेयर ने माओ के हमरा केक काटा और तहाइफ तकसीम किए। इनका कहना था कि माँ जिंदगी तारीख राहों में रोशनी का एक मीनार है। माँ इस कायनात के अच्छे सच्चे और खूबसूरत रिश्ते का नाम है। माँ घर का बुनियादी और अहम सुकून है। मैं आज खुद हूँ अपनी माँ की दुआओं की वजह की दौलत हूँ। माँ वो दरख्त है जिसके साय में औलाद पलती है। आफियत में माओ को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाती हैं, लेकिन ये हर चीज इनकी औलाद का नेमत गुजर नहीं हो सकता। माँ की अहमियत का अंदाजा इसके पाओ तले रखी गई जन्नत से भी लगाया जा सकता है। उनका कहना था कि माँ को सताने वाले को दुनिया और आखिरत दोनों में रसवाई का सामना करना पड़ता है। जी आपका शुक्रिया फहद।